हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से खेलने वाले एक और नया गेम, जिस गेम का नाम है गाइस रेसिडेंट इविल 3 रीमेक। दरअसल इस गेम में अपन लोग एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल निभाने वाले हैं, जो एक प्राइवेट मिलिट्री ऑफिसर रहने वाली है। हमारे कुछ दोस्त रहने वाले हैं इस गेम में, जो हमारा साथ देने वाले हैं। एंड गाइस, इस गेम में बहुत सारे जॉम्बी अपने को दिखने वाले हैं, अलग अलग तरीके के जॉम्बीज। कुछ धोखेबाज दोस्त भी होने वाले हैं, जो हमें इस गेम में हमेशा धोखा देते रहते हैं। और गाइस, इस गेम की मेन कैरेक्टर है जिल, जो कि हमारी कैरेक्टर होने वाली है। और गाइस, इस गेम में थानोस की तरह दिखने वाला एक जॉम्बी है, जिसका नाम नेमेसिस है। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हाँ गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। फिलहाल चलते हैं रेसिडेंट इविल 3 में। गेम की शुरुआत में गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरे रकून सिटी में कोई वायरस ने अटैक किया हुआ होता है, जिसके कारण पूरे शहर में तबाही मचा हुआ होता है। और गाइस, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अच्छे काम को बढ़ावा देने के चक्कर में पीठ पीछे एक ऐसे वायरस को बना देती है, जिसके कारण गाइस पूरे शहर में तबाही देखने के लिए मिलती है। और इस बात की पूरे शहर में किसी को भी भनक नहीं होती है। और गाइस, इस वायरस को एक बंदे के ऊपर इंजेक्ट करने के बाद हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जॉम्बी देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम गाइस नेमेसिस होता है। ऑल राइट गाइस, हम लोग गेम में आ चुके हैं। फिलहाल गाइस, शायद से ये हमारी कैरेक्टर होने वाली है। ये गेम गाइस शायद से थर्ड पर्सन है, बट पता नहीं कैसे तो अभी अपने को FPP में देखने के लिए मिल रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं शायद से अपने को TP भी देखने के लिए मिल जाए। और शायद से हम किसी के घर पे तो हैं, शायद से अपना ही घर होने वाला है जैसा मुझे लग रहा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने को क्या देखने के लिए मिलता है। फिलहाल यहाँ पे एक डोर है, जिसके अंदर से लाइट दिख रहा है मुझे। इसके अंदर चलना है शायद से अपने को, क्योंकि इधर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। गेट खुला है, अंदर चलते हैं। ओके गाइस, मिरर में अपने को अपनी कैरेक्टर दिख चुकी है, जिसका नाम जिल होने वाला है इस गेम में। वेट, शायद से पानी को बंद करना है अपने को, ऑप्शन आ रहा। ओके, देखते हैं क्या होता है आगे। ओ नहीं गाइस, शायद से कहीं से ब्लड गिरा है, शायद इसी के फेस से गिरा गया ये। ओ भाई, शायद से ये देख के डर चुकी है इस ब्लड को। ओ शिट, हमारे कैरेक्टर के हाथ में पता नहीं कुछ हो गया जैसे मुझे लग रहा, या फिर ये डर गई अपने आप को देख के, शायद नशे में जैसे मुझे क्यों लग रहा। शायद से गाइस ये बहुत ज़्यादा परेशान है ऐसा मुझे लग रहा है। इसने पिस्तल उठाया है, देखते हैं क्या करती है। ओ नहीं 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 गाइस, शायद से अपने आप को शूट करने वाली है। ओ भाई, ऑल राइट गाइस, शायद से नहीं, ये सपना था इसका। और इसकी नींद खुली है किसी टेबल पे, जहाँ पे कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। शायद से हमारी कैरेक्टर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आई हुई है यहाँ। ऑल राइट गाइस, ये बोल रही कि इसे कुछ दिन तक और यहाँ पे रहना है, फिर यहाँ से चली जाएगी। हाल तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइट जलाने का, जला दिया हूँ लाइट। और यहाँ पे पिज्ज़ा वगैरह पड़ा हुआ है। वापस चलते हैं इस डोर के अंदर, शायद से ना इस बार कुछ ना हो, क्योंकि ये रियलिटी है। इससे पहले गाइस हमने जो भी देखा वो सपना था। यहाँ पर लाइट जलाने का ऑप्शन आ रहा। ओके, लाइट जला दिए अपन लोग। ओके गाइस, इस बार कोई ब्लड नहीं गिर रहा। ओके, ये देख रही कि ये ठीक तो है, क्योंकि अभी अभी एक बहुत ही गंदा सपना देख कर उठी है ये। ओके गाइस, पानी को बंद करते हैं। फिलहाल अपने को TPP देखने के लिए मिल गया, लेकिन इसके कपड़े गाइस, कपड़ों को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि थोड़े कपड़े गंदे लग रहे हैं और फ्यूचर में शायद अपन लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डोर दिख रहा है, शायद हम इससे अंदर नहीं जा सकते। तो गाइस, आस पास देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है अपने को। शायद से कोई कॉल कर रहा है हमें, क्योंकि रिंग की आवाज़ आ रही है। बट गाइस, मुझे कहीं पे तो फ़ोन दिखाई नहीं दे रहा इस गेम में, बट आसपास कहीं पे फ़ोन तो होना चाहिए गाइस। पता नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। और हमारी कैरेक्टर यार, इसके कपड़े ज़रूर चेंज करेंगे हम लोग फ्यूचर में, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे है फ़ोन, फ़ोन उठाते हैं। शायद किसी को कॉल आया है अपने दोस्त का। इसके किसी दोस्त ब्रैड का कॉल आया है गाइस, और ये बोल रहा है कि बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई है। ओ भाई साहब, शायद से किसी की एंट्री हुई गाइस, और ये शायद से वही है। हाँ गाइस, ये वही है नेमेसिस, जो कि गाइस थानोस की तरह दिखता है। बट फिलहाल तो गाइस ये अपने को बहुत गंदा पीटने वाला जैसा मुझे लग रहा, और हाँ पीट भी रहा है।
ओके। ओ भाई साहब, इसे तो बुलेट से कुछ भी नहीं हो रहा गाइस। ओके, हमारी कैरेक्टर जिल जान चुकी है कुछ होने वाला नहीं, इसलिए भाग रही है। बट वेट, ओ भाई, इसने तो दरवाजे के पीछे भी इसको मारा है। भागना पड़ेगा। और गाइस, हमारी कैरेक्टर किसी रूम पे आ गई है, अलमारी लगा रही है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा। हाँ, ये अलमारी लगा दी है, भागना है बस अपने को यहाँ से। और शायद से गाइस वो थानोस हमारे पीछे ही लग गया जैसा मुझे लग रहा। फिलहाल यहाँ से फटाफट से स्केप करना है बस अपने को। चलते हैं, यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ से चलना है शायद से। ओके, गुड गुड, बट शायद, ओ भाई साहब, इसने तो एंट्री मार दी भाई अंदर से ही। भाई साहब, ये थानोस जो है ना गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे बच बच के अपने को निकलना है जैसे मुझे लग रहा। अभी तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फाइट लेने लायक नहीं है अपन लोग, बस अपने को भागना है। सिट यार, इसने हमारा पैर पकड़ लिया भाई। ओके, शायद से इसने उसके हाथ को काट दिया या फिर कुछ हुआ, बट हम लोग यहाँ से निकल गए हैं जैसे मुझे लग रहा। ओ भाई साहब, कुछ तो ब्लास्ट हुआ। फिलहाल गाइस हमारी कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है हेल्थ से। अभी तो फटाफट से स्केप करना है कुछ भी करके। नीचे चलते हैं, इधर ही जाना है अपने को जैसे मुझे। ओ भाई, ये भाई कहीं से भी निकल जा रहा है यार थानोस। ओके, इसने हमें एक पंच मारा और शायद से नीचे हम गिर चुके हैं। नहीं, ऊपर ही हैं। ओ नहीं, भाई इसने तो भाई पूरा पत्थर तोड़ दिया बिल्डिंग का, और भाई हमारे पीछे लग गया। भाग रहे हैं बस फटाफट से, शायद से हम बच जाएंगे। ओ नहीं, यार हमारे पीछे लग गया है। ओके, दरवाजे के पास पहुँच चुके हैं हम लोग, गुड। ओ भाई, शायद से बाहर तो नहीं आया यार। ओके गाइस, शायद से ना वो हमें मारने के चक्कर में खुद को लॉक कर लिया। वाह भाई, फिलहाल अभी यहाँ से हमें फटाफट से निकलना पड़ेगा। हमारी कैरेक्टर गाइस जिल काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, शायद जिससे ना हेल्थ की, हमें शायद फटाफट से हेल्थ खो देना चाहिए जिससे ना हम हील हो सके। ओके, ये ब्रैड है, जिल का वही दोस्त जिसने कॉल किया था अभी अभी। शायद से ना ये हमारे साथ में ही काम करता है। ओके, ये बोल रहा कि हमारे साथ में काम करने वाले बंदे इस जगह को छोड़ चुके हैं, बस हम और तुम बचे हैं। मतलब ये बंदा और हमारी कैरेक्टर जिल, ये दोनों ही बस बचे हैं गाइस प्राइवेट एजेंट ग्रुप के। तो हाँ, हमें इसे पीछा करना है, साथ से इसके पीछे चलना है अपने को। लेकिन गाइस, हमारी कैरेक्टर जिल पूरी तरह से एकदम लो हो चुकी है, इसको हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो इसका पीछा करना है फिलहाल हमें। गाइस, शायद से अपने को जल्दी जाना है, रन का ऑप्शन आ गया है, फटाफट चलते हैं दौड़ के, क्या होता है आगे देखते हैं गाइस। फिलहाल पूरी सिटी गाइस जल रही है पूरे आग में, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ ऐसा। ओ भाई साहब, आगे तो गाइस जॉम्बी का झुंड है पूरा, अपने को निकलना है शायद से इसके पीछे। फिलहाल गाइस वो चला गया, अपने को जाना है, तो फटाफट चलते हैं भाई। ये तो उठ भी रहे भाई, मेरे को अभी क्रॉस भी करना है यहाँ से। ओ भाई, कितने खतरनाक दिख रहे हैं तो यार। चलते हैं साइड से, शायद से अपने को ना पकड़े। ओके, अपन लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक गेट है, अंदर चलते हैं। ओह नहीं गाइस, ये लोग तो गेट के पास भी आ गए हैं, ये हमें जाने के लिए बोल रहा, पता नहीं क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया। ओह शिट यार, इसने किसको बाइट कर लिया, शायद से अभी इफेक्टिव हो गया है। ओके, हमारे कैरेक्टर ने उसे मार के भगा दिया है और बंद कर दिया गेट को। और गाइस, ये शायद से इफेक्टिव हो चुका है, अब ये भी जॉम्बी बनने वाला है जैसे मुझे लग रहा। और ये हमें जाने के लिए बोल रहा गाइस। ओके गाइस, अब यहाँ से अपन लोग अकेले हो गए हैं, हमें अकेले ही जाना पड़ेगा आगे। फिलहाल यहाँ पे एक गली है, इससे मैं जा रहा हूँ। ओके, ये बंदा यहाँ पे मरा पड़ा है और इसके पास गन है। ओके गाइस, हमें यहाँ पे एक गन मिल चुका है। और सिट सिट यार, इसी कमी थी भाई, ये हमारे पीछे आ गया। शायद से ब्रैड हमारा जो दोस्त था वो मर गया वहाँ पे गेट के पास से। फिलहाल मेरे पास गन है लेकिन एमो बहुत कम है, मैं अभी फाइट नहीं लेने वाला हूँ। ओ भाई, यहाँ पास, ओ सिट यार, यहाँ पास भी कुछ गिर गया है, शायद से हम नीचे जा सकते हैं, और वो पीछे हमारे आ ही रहा है, नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ से हम जा सकते हैं, आगे एक बस है, बस के अंदर भी जॉम्बीज है गाइस, इससे भी बच के जाना पड़ेगा।
कहीं पे रास्ता ओके, यहाँ पे एक गेट है, इसको क्रॉस करते हैं, बच जाएंगे अपन लोग शायद। ओनली 3 बुलेट है गाइस, इनको मैं अभी ना इनको बताता अपने अपने पिस्तल से। फिलहाल अभी अपन लोग ना एक शांत जगह पे आ चुके हैं, यहाँ पे एक गेट है, इसके अंदर चलते हैं। ओ शिट यार, इसके आगे भी एक जॉम्बी है शायद, शायद से जॉम्बी नहीं है गाइस। ओके, हमें देख के डर रहा है ये, हमें जॉम्बी समझ रहा है और हम भी इसको जॉम्बी समझ रहे थे। ओके, ये बंदा हमें अपने से दूर रहने के लिए बोल रहा है, ये एकमात्र सेफ जगह है इसको लग रहा, बट ये इसको पता नहीं है कि पूरा जगह सुरक्षित नहीं है, पूरा सिटी सुरक्षित नहीं है यार, ये जगह क्या। और गाइस ये हमें भगाना चाहता है, और हम एक ऑफिसर होने के नाते इससे पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे साथ चलेगा, हम इसकी सेफ्टी में रहेंगे, ये हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा फिलहाल, तो इसको छोड़ के जाना ही सही रहेगा। ओके गाइस, शायद से नहीं हमारे साथ नहीं जाना चाहता, हमको भी यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलहाल कुछ हैंडगन के एमओ मिल गया मुझे, और क्या मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास एक गन भी है जैसा मुझे लगा, शायद से वो गन नहीं था अगर कुछ और भी था। फिलहाल मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, कब से मैं इस बियर्ड से कपड़े के साथ घूम रहा था भाई। तो गाइस आप लोग बताना कि ये कपड़ा बेस्ट है कि वो कपड़े बेस्ट थे, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं मुझे। फिलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ, और यहाँ पर एक जॉम्बी मुझे दिख रहा है, जैसा कि इसके नीचे से हम लोग निकल जाएंगे, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओ भाई, ये तो हमारे पीछे लग गया भाई, लेकिन फिलहाल हम सेफ हैं। हमें गाइस आगे बढ़ते रहना है, हम अभी लो हैं, हमारी हेल्थ लो है, बट शायद आगे ना हमें हीलिंग के लिए कुछ सामान मिल सकता है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि भाई जॉम्बी बन चुका है। और गाइस आगे की तरफ कुछ डेड बॉडी पड़ा है यहाँ पे, और इससे शायद गेट खुलेगा क्या? नहीं नहीं, गेट तो नहीं खुलने वाला फिलहाल, यहाँ पे एक बटन है इसको खोलते। ओ भाई साहब, इसके अंदर से जॉम्बी निकल रहा है भाई लिफ्ट के, पता नहीं शायद मुझे अभी फाइट नहीं लेना चाहिए गाइस, क्योंकि हमारे पास ना एमो बहुत कम है। ओ शिट यार, इसमें फिर से पकड़ लिया। ओ भाई, इसने तो भाई गंदा डैमेज भी कर दिया, हम तो पहले से डैमेज थे, अभी और डैमेज कर दिया गाइस। फिलहाल फिर से लिफ्ट को खोलते हैं, भागना है भाई बस अपने को, फटाफट से अंदर चलना है। ओके, ओ नहीं यार, ये तो अंदर आना चाहते हैं भाई। ओके, हम लोग ऊपर वाला बटन दबा चुके हैं, अब ऊपर जा रहा हमारा लिफ्ट, कोई बात नहीं, बच चुके हैं इन जॉम्बीज से भी। ऑल राइट, ये शायद से हम किसी जगह पे आ चुके हैं, और ऊपर हमें एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है जो कि शायद हमारी हेल्प करने वाला है, और आगे जाके हेलीकॉप्टर लैंड होगा और हमें वहाँ से चढ़ना है हेलीकॉप्टर पर, फटाफट चलते हैं आगे। ओके, हेलीकॉप्टर नीचे उतर चुका है, जहाँ तक आगे चलना है बस, आगे एक हेलीकॉप्टर है, वो रहा हेलीकॉप्टर, अपने को फटाफट से उसको जाके बस बैठना है गाइस। ओह शिट यार, हेलीकॉप्टर किसने ब्लास्ट कर दिया गाइस शायद से, और हम भी यहाँ पे लो तो थे ही, और हमें यहाँ पे उठा के पटक दिया गया जैसे फील हो रहा हमें। बट वेट गाइस, नेमेसिस जो थानों से अपना वापस आ रहा है, फटाफट से गाड़ी में बैठ के निकलना पड़ेगा जैसे मुझे लग रहा, क्यों नहीं। ओके, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार ऑप्शन तो आ रहा, स्टार्ट हो जाए यार। भाई साहब वो हमारे पीछे ही लग गया है, स्टार्ट हो जाए भाई गाड़ी। ओके ऑल राइट गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो गई, बस हमें भगाना है इसे फटाफट से। ओके, सामने इसको उड़ाते हुए चलते हैं। नहीं गाइस, कहाँ से गाड़ी रोक के हमारे गले पे इसने हाथ डाल दिया गाइस, गले को पकड़ लिया सीधा हमारे, गाड़ी को भगाने का ऑप्शन तो आ रहा, भगा रहा हूँ बट पता नहीं चल रहा। ओके, हम नीचे गिर चुके हैं और हमारी गाड़ी भी पलट चुकी है, और मुझे लग रहा है कि इस बार ये थानोस जरूर मर गया होगा अगर गाड़ी के नीचे आया होगा तो। फिलहाल तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गाइस, हम गाड़ी के अंदर हैं और गाड़ी पलट चुकी है। ओ नहीं यार गाइस, वो थानोस तो अभी तक से जिंदा है यार, हमें फटाफट से निकलना पड़ेगा शायद से गाइस। ये थानोस जो है भाई साहब, यही इस गेम का मेन विलन है, और ये बार बार हमें ऐसे ही परेशान करने वाला है। ओ शिट यार, गाड़ी ब्लास्ट हो गई, थानोस भी जल चुका है, बट इसे कुछ हुआ नहीं, ये हमारे पीछे आ रहा है, साथ से हमें मारने वाला है फिर से गंदी तरीके से। ओह शिट यार,
ऑल राइट, शायद से कुछ हुआ है, किसी ने फायर किया इसके ऊपर जैसे मुझे लग रहा। ओके पता नहीं गाइस ये कौन है, शायद से ये इसे, ओ भाई साहब इसमें तो मिसाइल में एक बार में इसको ना शांत कर दिया गाइस, शायद से मारा नहीं है, शांत हो गया है। और हमारी कैरेक्टर जिल भाई ये तो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। ओके ये हमारी हेल्प कर रहा है, मतलब ये हमारा दोस्त हुआ। ओके गाइस शायद ना ये हमें किसी सेफ जगह पर लेके आ चुका है और हम अभी शायद सेफ हैं। Here, where? My guys have converted some subway cars into a shelter. और ये हमें बता रहा कि आगे कुछ लोग हैं, वो सेफ है और शेल्टर पे हैं। बट गाइस शायद ये हमें हल्के में ले रहा है, हमारी कैरेक्टर भी एक एजेंट है। ओके हमें शायद इसका पीछा करना है, और शायद हमारे पास भी अच्छे अच्छे गन होने चाहिए। ओके हमारे पास एक AR गन है, असॉल्ट राइफल है, पता नहीं शायद हम इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं। ओके एक बढ़िया तगड़ा गन है गाइस अपने पास, टेंशन वाली बात नहीं, जिसे हम चला सकते हैं किसी जॉम्बी के ऊपर। और ये कोई तो दरवाज़ा खोल रहा शायद, चलते हैं इसके पीछे, देखते हैं कहाँ से अपने को जाना है और आगे कौन कौन लोग मिलते हैं अपने को। और गाइस ये बता रहा कि ये अम्ब्रेला के साथ है और इसे पता नहीं कि अम्ब्रेला ने क्या क्या किया है। But I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. अभी तो मैं इसके पीछे जा रहा हूँ गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। ये किसी ट्रेन के पास हमें लेके आ चुका है शायद से, ट्रेन ही है ना, हाँ ओके ये ट्रेन है, ट्रेन के पास में हमें लेके आ चुका है ये, चलते हैं अंदर, शायद से अंदर ही गया है, अंदर कुछ लोग हैं मुझे दिख रहा है यहाँ से। Hey, Captain. Fine young lady could use our help. और गाइस शायद से ये बंदा इसका कैप्टन है और ये हमें बोल रहा है कि हमें ये लड़की मिली। और गाइस शायद ना इसका जो कैप्टन है ये हमें पहचान चुका है जैसे मुझे लग रहा। ओके ये हमें पहचान चुका है जैसे लग रहा। Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. ऑल राइट गाइस ये लोग बता रहे हैं ना पूरा जो सिटी है ना आइसोलेटेड हो चुका है और गाइस यहाँ पास ना 100,000 से ज़्यादा बंदे मर चुके हैं और ये लोग ना कोई एजेंसी के लिए काम करते हैं और ये जो बचे खुचे सर्वाइवर्स हैं उन्हें इकट्ठा करके ट्रेन के पास लेके आ चुके हैं। लेकिन इनके पास एक प्रॉब्लम है कि इनका कोई भी बंदा अकेले जाकर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कोई अकेले जाकर ठीक नहीं करना चाहता क्योंकि बाहर बहुत सारे जॉम्बीज घूम रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हमने ली है अपने ऊपर और गाइस हमारा मिशन अभी है कि इलेक्ट्रिसिटी को पहले ठीक करना फिर सबवे स्टेशन पे जाकर उसे भी ठीक करना। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है आगे जाने पे। फिलहाल उसमें से एक बंदे ने मुझे रेडियो दिया है तो हाँ हम उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ना एक शॉप है
जो कि शायद खाली है। ऑब्वियसली पूरे सिटी में जॉम्बीज बन चुके हैं बंदे, तो ये खाली ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें कुछ मिला है, पता नहीं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है अपने को। और शायद से हमें ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से तो हम आए हैं और आजू बाजू कोई रास्ता नहीं है, तो ऊपर ही चलते हैं अपन लोग। ओके, हमें सबवे स्टेशन को ठीक करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें कोई टावर है उसके पास जाके पावर सप्लाई ऑन करना है। ओके गाइस, हम आगे की तरफ तो आ चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ सामान है, सबको उठा लेते हैं। हेल्थ बार है शायद से, अपना हेल्थ बढ़ने का काम आएगा, और हमारा हेल्थ थोड़ा बहुत है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्यूचर में अगर हेल्थ डाउन हुआ तो हम इनसे अपने हेल्थ बढ़ा सकते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने सब कुछ पिक कर लिया है, और यहाँ पर कोई सूटकेस जैसा कुछ है, इसके अंदर कुछ सामान होना चाहिए, लेकिन इसको खोलने के लिए हमारे पास सामान नहीं है गाइस फिलहाल, तो चाकू वगैरह तो खुलेगा नहीं है। चलते हैं आगे, शायद से आगे मिल सकता है इसका सामान हमें। ओके, यहाँ पे कुछ घड़ी जैसा है, और यहाँ शायद हमें कुछ लाकर लगाना है, जो कि हमारे पास फिलहाल नहीं है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं, सब मिलते जाएगा। फिलहाल मैं सेव कर लेता हूँ गेम। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे एक बॉक्स मिला है हमें, और शायद से इसके अंदर बहुत सारे सामान है, कुछ गन वगैरह हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने सारे गन वगैरह उठा लिए, और मुझे सब गन मिल चुका है, वो भी अनलिमिटेड गाइस, मैं कितना भी अटैक कर सकता हूँ इन गन से। तो हाँ गाइस, अभी ना हम लोग रेडी हो चुके हैं पूरी तरह से उस थानोस को मारने के लिए। अगर वो मुझे अभी दिख गया तो मैं उसे बहुत गंदा मारने वाला हूँ। बट वेट, यहाँ पर ना गाइस बहुत ज़्यादा भगदड़ मची पड़ी है, साथ से ना कोई जॉम्बीज इनको दौड़ा रहे हैं। और वेट गाइस, यहीं पे एक जॉम्बी है, साथ से मुझे इसे मार देना चाहिए, क्योंकि भाई ये मेरे को देख चुका है और मेरे पीछे ही आ रहा है। भाई ले, अरे भाई बहुत टाइम मर दे क्या भाई ये। ओके, हमें जॉम्बीज के हेड को मारना है, मैं ज़्यादा डर जाता हूँ इसकी वजह से ना, इधर उधर मार दे रहा हूँ। ओह भाई साहब, आगे की तरफ ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, बहुत भयानक तरीके से, और यहाँ आसपास तो बहुत ज़्यादा ब्लड है, तो गाइस आगे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे कुछ सामान था मैंने उठा लिया है, फिलहाल अपन लोग आगे चलते हैं। आगे ना गाइस हमें अलग अलग तरीके के जॉम्बीज दिख सकते हैं, तो हमें ना अलर्ट रहना है। ओके भाई, यहीं पर से निकल रहा था जॉम्बी के यार, गुड, मैंने दो जॉम्बी मार दिए हैं, शायद से एक जिंदा होना चाहिए अभी भी। ओके, ये जिंदा है, इसको भी निपटा देते हैं फटाफट से। और गाइस हमें कन्फर्म करना है कि ये मरे हैं, क्योंकि ये सोए सोए भी उठ के ना हमें अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर। ओके गाइज, मैंने तीनों जॉम्बीज को मार दिया है, चलते हैं आगे। यहाँ पे एक गेट है, शायद से हमको इसी रास्ते से जाना है आगे, और आगे जॉम्बीज वगैरह तो नहीं दिख रहा, क्लियर दिख रहा पूरा एरिया, चलते हैं आगे। ओके गाइज, आगे आने पर ना मुझे बहुत सारे जॉम्बी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि ना एक वॉल के पीछे हैं, कोई जाली की तरह है उसके पीछे हैं, तो शायद से अभी हम सेफ हैं, और ये हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें सेफ अलर्ट रहना है इनके अटैक से। और फिलहाल गाइज मैं यहाँ पे आया हूँ, और साथ से कार्लो को कॉल कर लिया, हमारे कैरेक्टर जिल, और यही वो टावर हो सकता है गाइज जिसके पास अपने को जाना है। बट इधर तो पूरा आग लगा पड़ा है। ओके गाइज, हमें ना इस आग को क्रॉस करके ही जाना है आगे, लेकिन गाइज ये आग को हमें बुझाना पड़ेगा, और बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पता नहीं शायद से हम यहाँ से तो आगे नहीं जा सकते अभी फिलहाल। और यहाँ पे ना हमें कोई पाइप वगैरह ला के लगाना है, जिससे ना हम लोग इस आग को बुझा पाएंगे, बट अभी तो हमारे पास पाइप वगैरह नहीं है, तो हमको पहले तो पाइप खोजना है कहाँ पे पाइप है। चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं पे हमें पाइप मिल जाए तो। और गाइस ये लोग तो फुल मूड में हैं मुझे मारने के, पूरे जॉम्बीज लोग। ओके भाई साहब, जिस चीज़ का ना अपने को वो चीज़ था, डर था, वही चीज़ हुआ। ये लोग वो जाली वाला जो कुछ भी वॉल था उसको तोड़ दिए हैं, और आगे की तरफ आ रहे हैं मेरे को अटैक करने। और भाई ये वाला बंदा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, फिलहाल तो मैं पीछे हो जाता हूँ, मेरे पास गन है। ये लोग तो आगे नहीं आ रहे, पहले मैं इनको मार देता हूँ, क्या पता पीछे से ये लोग आ जाएँ। और यहाँ पर एक चीज़ है जिसे मैं उड़ा देता हूँ,
एक बार में मर गए भाई ये लोग तो। चलते शायद से हमें ना जिस रास्ते से जॉम्बी लोग आए हैं उसी रास्ते से जाना है। फिलहाल तो एक बंदा बचा है, इसको उड़ा देता हूँ मैं। अब चलते हैं गाइस आगे और यहाँ पे पाइप जो है ना उसको आके लगाते हैं, और आगे के साइड अपने को और भी जॉम्बीज देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अपने को अलर्ट रहना है बस और सबको मारते हुए आगे चलना है। ओके गाइस, हमें ना 2-3 जॉम्बी यहाँ पे दिख चुके हैं। फिलहाल मैं इसको मारता हूँ दूर से ही। ओ भाई साहब, कितने ज़्यादा बुलेट मारने के बाद ये बंदा मरा भाई। एक चीज़ फ़ायदा है गाइस कि जो भी जॉम्बीज है ना बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, इस वजह से ना शायद हमारे ऊपर अटैक होने से पहले हम उसे मार सकते हैं। और ये बंदा भी मर गया भाई, एक लास्ट बचा है, इसको मार देता हूँ। लेकिन वेट, ये बंदा तो जिंदा है भाई अभी तक। अरे भाई क्या खा के बड़े हुए भाई, मर जाओ यार। ओके मैं इसके हेड पे मारता हूँ, अभी तो मर जाना चाहिए गाइस। ओके यहाँ पे एक गेट है, चलते हैं अंदर गेट के। और शायद यहाँ पे तो कोई जॉम्बी नज़र नहीं आ रहा मुझे। कुछ कुछ सामान है सब उठा लेते हैं अपन लोग, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सामान की हमें कमी महसूस होगी, इससे पहले हम सबको उठा लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा मरा पड़ा है, वापस ज़िंदा तो नहीं हो जाएगा, मार के चेक कर लेते हैं। फिलहाल मुझे कुछ कुछ सामान मिला है इस जगह से, और इस जगह से निकलने का टाइम आ चुका है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा। और वेट 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 गाइस, यहाँ पे कुछ कुछ जॉम्बीज भी हैं जिन्हें मैं देखा नहीं था अभी तक। ओके मैं इन लोगों को मार देता हूँ फटाफट से। और भाई ये भी दो बंदे हैं गाइस यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर ना एक उड़ाने वाला टैंक है, शायद मैं उसको उड़ा सकता हूँ, बट इनको मैं बुलेट से ही मार सकूँ। भाई ये तो भाई बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। नहीं नहीं यार, इसने फिर डैमेज कर दिया गाइस मेरे को। रुक बेटा, तेरे को तो बताता हूँ। वेट वेट, ये ले बेटा, ये ले, अब मार के दिखा। ओके मैंने इसको निपटा दिया गाइस, इसने बहुत गंदा डैमेज दिया मुझे फिलहाल तो। और इसे मैं फोड़ देता हूँ, कोई बचा होगा तो मर भी जाएगा। फिलहाल मैं किसी कमरे पे आ चुका हूँ गाइस, और यहाँ पर मुझे कुछ सामान तो मिला है। खैर मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा बैग भर चुका है, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं गाइस। ओके मैं वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, और शायद से ना हमें उस टावर तक जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इधर आसपास तो कहीं पर कोई रास्ता दिख नहीं रहा गाइस मुझे, जो उस टावर तक मुझे ले जा सके। तो हाँ, उस रास्ते को ढूंढना हमें पहले। ओके गाइस, यहाँ पे ना एक गेट है जो कि शायद से ना बंद है, इसे हमें प्लास्टिक तोड़ना है और आगे चलना है। लेट्स गो गाइस, यहाँ से शायद ना हमें कोई रास्ता नया मिलेगा जैसा मुझे लग रहा। फिलहाल तो मैं इस रास्ते पे आ चुका हूँ, बट आगे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा मुझे गाइस। एक सूटकेस है, शायद से हम इसे खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मरा पड़ा है, हम चेक कर लेते हैं। भाई वापस से उठ के मार मत दे मुझे। और इसके अंदर से हमें ना शॉटगन की एमओ मिल गई, बट शॉटगन अभी तक हमें नहीं मिली है। फिलहाल किसी का साउंड तो आ रहा है। वेट वेट वेट, मेरे पीछे एक जॉम्बी है, इसको ना मैं पिस्तल से ही मार देता हूँ फटाफट से। भाई मर जाए यार, कितना ओ भाई साहब, हेड पे एम ही नहीं लगता गाइस मेरा, पता नहीं क्यों, बहुत घटिया एम है मेरा। अब गाइस आगे की तरफ चलते हैं, अभी तो हमें कोई रास्ता नहीं मिला। ये वाला रास्ता भी बहुत घटिया था, कुछ नहीं मिला, बस अपने को शॉटगन की कुछ एमओ मिल गई और एक जॉम्बी मारे अपन लोग। चलते हैं आगे फटाफट से, और ये वाले घर के अंदर शायद से हम जा सकते हैं जैसा मुझे लग रहा। लेकिन वेट, ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? सीढ़ी, सीढ़ी चेक कर लेते हैं गाइस पहले। शायद से ना सीढ़ी से हम किसी ऊपर वाले जगह पे जा सकते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। और गाइस हमें ना अलर्ट रहना है, क्योंकि आसपास जॉम्बी अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर अचानक से, और हमारे हेल्थ भी जा सकता है। फिलहाल मेरे पास हेल्थ किट तो है अपना हेल्थ रिकवर करने के लिए, लेकिन हमें डैमेज कम लेना है। और वेट वेट गाइस, शायद अंदर कोई जॉम्बी है। ओके ओके, यहाँ पे एक जॉम्बी है, इसको हमें मारना पड़ेगा भाई, तब हम अंदर जा पाएंगे। और भाई ये गेट के सामने ही खड़ा है, मैं जैसे अंदर जाऊँगा भाई मुझे मार सकता है। और भाई सब पकड़ ही लिया भाई, फिर से डैमेज दे दिया यार मेरे को गाइस। इसको तो मैं गंदा मारने वाला हूँ। ले भाई, कैसे लगा बेटा? ये ले, और मारेगा भाई छुप के। ओके गाइस, हमारा हेल्थ फिर से लो हो चुका है, साथ से ना हम हील कर सकते हैं।
फिलहाल यहाँ पे एक और बॉडी है, इसको भी मैं मार के कंफर्म कर लेता हूँ कि जिंदा भी तो है या फिर मरा पड़ा है। ओके तो मरा पड़ा है। फिलहाल यहाँ पे एक टॉर्च है और कुछ लॉकर जैसा है, खुल तो नहीं रहा लॉकर मेरे से, और आगे की तरफ चलते हैं गाइस। अभी मेरा हेल्थ बहुत लो है, भर लेते हैं। ओके मैंने अपना हेल्थ हील भर लिया है पूरा, अभी हमारा हेल्थ मस्त पूरा मैक्स है। चलते हैं आगे। और गाइज यहाँ पर भी ना मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा उस टावर तक जाने के लिए। टावर तक नहीं गाइज, शायद से ना हमें कुछ ढूंढना है जो कि हम उस आग को बुझा के उस रास्ते से फिर टावर तक जा सकेंगे। तो हमें ना पहले उस जगह को ढूंढना है। इस जगह के अंदर मैं नहीं गया हूँ, चेक करते हैं इसके अंदर शायद मिल सकता है हमें वो चीज़। फिलहाल तो गाइज मैं इसके अंदर आया हूँ, पूरा शांत है और यहाँ पर बॉडी मरा पड़ा है, शायद से ज़िंदा हो सकता है। ओके मैं इसे मार कर चेक कर लिया है, तो मरा पड़ा है पहले से। ओके गाइस शायद से ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खामखा यहाँ पे आया हूँ। चलते हैं आगे देखते हैं। और भाई यहाँ पर कोई है तो नहीं यार, कोई नहीं है। ओके यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है, इसको भी मार देते हैं अपन लोग। और भाई इतना घटिया है मैं ना, मेरा क्या बताऊँ मैं भाई, मर जाए यार जल्दी मर जाए कर भाई, तो मेरा एम बहुत ख़राब है यार। ओके अभी मर गया है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक गेट तो है गाइस, पता नहीं गेट कहाँ तक जाएगा। वेट यहाँ पे ना सांप की तरह दिखने वाला कुछ तो था, लेकिन मैं इधर आ गया हूँ, शायद से वो अलग प्रकार का ज़ॉम्बी हो सकता है गाइस। और ये वाला एरिया में पूरा अंधेरा है, शायद से ना ये वाले जगह पे आने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके तो ये वाले जगह पर ना हमें पहले ना टावर के अंदर पावर जनरेट करना पड़ेगा, पावर सप्लाई को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आके हम कुछ कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं सूटकेस खोलता हूँ, इसके अंदर भी हमें मिली है शॉटगन की एमो। शॉटगन कहाँ है भाई, शॉटगन अभी तक हमें नहीं मिली है। चलते हैं आगे गाइस, शायद ना आगे जाने पे हमें सामान मिल सकता है, शॉटगन वगैरह जो भी गन वगैरह सब अच्छा अच्छा मिल सकता है आगे। चलते हैं आगे के साइड वाला गेट से। और यहाँ पर मुझे कुछ दिखा था, ओके शायद से ये वही पाइप है जिसे हमें लगाना है। फिलहाल मुझे पाइप मिल गया, फटाफट चलते हैं उस आग वाली जगह पर। बस भाई आगे जाते वक्त ना मुझे और ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, फिर बड़ा सा ज़ॉम्बी ना मिल जाए जिससे ना प्रॉब्लम हो जाए गाइस। फटाफट से जाके ना अपन लोग टावर को एक्टिवेट करना है बस, फिर वो ट्रेन चल जाएगी, शायद फिर ये वाला मिशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके हमें इसी रास्ते से जाना है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा। और यहाँ पर जाने से ओ भाई, अरे यार कैसे मरे पड़े रहते हैं यार और डैमेज देते हैं भाई सब, इसको गंदा मानने वाला हूँ यार मैं तो, जो भी है भाई गंदा पिटने वाला है। ये ले बेटा ये ले, और हल्ला करेगा अब मार। ओके मैं इसके अंदर आया हूँ, इसके अंदर ना शायद कोई शॉप है या फिर कोई मेडिकल दुकान जैसा मुझे लग रहा, इसके अंदर कुछ कुछ सामान मिल सकता है। ओके यहाँ पे ना कुछ एमो मिल गए मुझे, चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि आगे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, पहले तो उस जगह पर जाना है भाई जहाँ पर पाइप में आग लगी पड़ी है, पाइप लगा के आग को बुझाना है, वहाँ पर चलते हैं। ओ सिट यहाँ पे एक और जाऊँगी भाई, पीछे से अटैक करता हूँ, उससे पहले मुझे इन सब फिनिश कर देना। लो बेटा अब जलो, कैसा लगा बेटा। फिलहाल इधर से तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा मुझे, और इधर से ओ भाई यहाँ पर भी एक जाऊँगी भाई, कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं यार ये जॉम्बीज। ओके गाइस मैंने इसे मार दिया है, चलते हैं आगे के साइड देखते हैं हमें कुछ। ओके यहाँ पर कुछ सामान है, इसको मैं पहले उठा लेता हूँ, शायद से ना इससे हम एमो क्राफ्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे उस फायर वाली जगह पे, फटाफट से पाइप लगाते हैं और गाइस उस फायर को बुझाते हैं और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके ओ सिट यार ये भाई सब कहाँ कहाँ लुके रहते हैं यार, अचानक से अटैक कर देते हैं भाई, बचना पड़ेगा यार इन लोग से। इसको भी मैं गंदा मारने वाला हूँ, जो भी अटैक करेगा ना अचानक से उसको गंदा मारना है गाइस अपने को। वो भाई ये तो मारे नहीं रहा भाई, फिर पकड़ लिया यार, फिर गंदा डैमेज देगा। ओ सिट यार इसने पैर चबा लिया मेरा। ओके अब बेटा तू बचने वाला नहीं है, इस पर गंदा मारूँगा इसको। भाई ये तो मरे नहीं रहा था, ढीठ बंदा था यार काफ़ी। और गाइस इसके अटैक से ना हम फिर से डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे हीलिंग वाला सामान मिल चुका है, हील कर लेते हैं, फिर से मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, अब कहीं पे रुकना नहीं है मुझे, बस फटाफट से चलना है उस आग वाले जगह पर। ओके मैं इस सीढ़ी वाले जगह पर वापस से आया हूँ, शायद से ना ये वाला रास्ता वहाँ तक ले जा सकता है मुझे, लेकिन यहाँ पास तो कोई डोर नहीं था, बट मैप में तो डोर दिखाई दे रहा, शायद से हमें अंदर जा कर देखना चाहिए, शायद कोई रास्ता होगा जिसे हम पहले इग्नोर कर चुके होंगे। और यहीं पे एक जॉम्बी था जिसे हम मार दिए थे, तो फिलहाल यहाँ पे अभी कोई नहीं हो सकता,
कोई ज़ॉम्बी नहीं है आसपास। इधर कहीं पे कोई गेट तो होना चाहिए गाइस, जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ सामान है, गन पाउडर, फिलहाल मेरा बैग। ओके यहाँ पे एक गेट है, इससे हम लोग शायद ना आगे की तरफ जा सकते हैं। ओके ठीक है, हम लोग किसी जगह पे, नए जगह पे तो आ चुके हैं, और शायद से ना हम उस जगह पे जा सकते हैं। इधर से भी एक सीढ़ी गई है, बट मैं इस बार नहीं उतरने वाला, इस पे चढ़ते चलते हैं आगे, क्योंकि ये नया रास्ता है, शायद उस रास्ते तक जाने का शॉर्टकट हो सकता है ये। फिलहाल तो आसपास कुछ नहीं है, एक ज़ॉम्बी मरा पड़ा है, शायद ज़िंदा हो सकता है, मारते गए। ओके हाँ ये तो ज़िंदा था, अच्छा हुआ मैंने इसे मार दिया भाई, वरना ये भी अचानक से अटैक करने वाला था अपने ऊपर। और यहाँ पर कुछ उड़ाने वाला है, इसको उड़ा देता हूँ मैं। और ये इधर आसपास अगर कोई भी ज़ॉम्बी होगा तो मर गया होगा। ओके यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी था, वो भी मर गया, अच्छा हुआ मैंने उसे उड़ा दिया। फिलहाल मुझे कुछ सामान मिल गया, मैं इसे उठा लेता हूँ, और ये वाले रास्ते से शायद तक हम उस जगह तक जा सकते हैं। चलो देखते हैं गाइस ये वाला रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। ओके सामने ही है वो वाला जगह जहाँ पर आग लगी पड़ी है। फिलहाल यहाँ पर कुछ बंदे मरे पड़े हैं, शायद से मरे हुए हैं। हाँ मैंने इनको मारा था, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे पास अभी हीलिंग का सामान नहीं है बिल्कुल भी। और फटाफट से यहाँ पे ना पाइप लगा के इस आग को बुझाते हैं। ओके गाइस मैंने पाइप लगा दिया, जहाँ तक नहीं नहीं अभी हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ये वाला पाइप है, लगा देते हैं। फिलहाल मैं गाइस ये वाला पाइप लगा के पूरा आग को बुझा दिया हूँ यहाँ पर। अब आगे का रास्ता खुल चुका है अपना, अब यहाँ से हम लोग आगे जा सकते हैं टावर के साइड। ठीक है यहाँ आगे एक गेट है गाइस, शायद इसी से जाना है अपने को, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अपने को। और आसपास ज़ॉम्बी हो सकते हैं, बट वेट यहाँ पे कुछ सामान है और एक गेट है। कुछ सामान, जो भी कुछ सामान है सब मैं पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, इसको तोड़ना पड़ेगा अपने लॉक यूज़ करके। तो फटाफट से मैं सब चीज़ को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली सामानों की हमको फ्यूचर में। ओके हमको एक फर्स्ट एड स्प्रे मिल चुका है, जिससे हम हील कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस गेट से आगे की तरफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे लॉक है, तोड़ते हैं इसको अपने प्लास से, अब हम आगे जा सकते हैं, चलते हैं आगे। ओके यहाँ पर शायद से कटसीन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे एक बंदा है जो कि शायद से ना डैमेज है, घायल है, और इसको हमको हेल्प करना है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा। और ये हमें कुछ बताना चाहता है। ओ भाई साहब किसी ने आके उसे मार दिया भाई। All stars this soft. I wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? All right, guys. शायद से ये जो बंदा आया था ना गाइस, ये कोई आर्मी ऑफिसर है, और ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, जो भी घायल होता उसे तुरंत मार देता, चाहे उसी का आदमी क्यों ना हो। और उस बंदे ने गाइस हमें सबवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए बोल दिया है, लेकिन हमको जाना है गाइस उस टावर के साइड। फिलहाल तो मैं उसका पीछा करता हूँ, इस वाले रास्ते से ही गया है वो, नहीं नहीं शायद से ना ये वाले रास्ते से नहीं, ये वाले रास्ते से गया ऊपर, चलते हैं इसका पीछा करते हैं, शायद से यही रास्ता अपने को ना उस टावर तक ले जा सकता है। ओके यहाँ पर गेट है, खोलते हैं गेट, और यहाँ पर से भी ना एक रास्ता गया है, जो कि शायद से ना हमें उस टावर के आसपास ले जा सकता है। और गाइस यहाँ पास तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन आसपास कोई रास्ता तो होना चाहिए जिससे वो गया होगा, बट यार कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। आसपास देखते हैं शायद से कुछ दिख जाए। ओके गाइस शायद से ना ये वाला रास्ता मुझे दिखा है, और इसी रास्ते से ना हमें आगे की तरफ जाना है जैसा मुझे लग रहा। बट वेट आगे ना कुछ कुत्ते आ रहे हैं जैसा मुझे लग रहा, और वो भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं गाइस, क्योंकि वो भाई मैंने इसे मार दिया, और शायद दोनों कुत्ते मर गए गाइस। लेट्स गो, शायद से ना रास्ता खाली हो चुका है, बट आगे कुछ ज़ॉम्बीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वेट यहाँ पास ना कुछ शॉर्ट सर्किट जैसा हो रखा है, मैं क्या इनको मार सकता हूँ। ओके अगर ऐसा शॉर्ट सर्किट कहीं पे मुझे और दिखा और मेरे ऊपर अटैक होने वाला हो, तो मैं उसे मार के वहाँ पे झटका क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे कि ज़ॉम्बीज मर सकते हैं। फिलहाल तो ये जाली के पीछे हैं, लेकिन ये कब जाली तोड़ के आगे आ जाए, इनसे पहले मैं इसको मार देता हूँ गाइस। ओके गाइस मैंने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है, अब आगे की साइड चलते हैं। ओके गाइस यहाँ पास ना एक गेट दिख रहा मुझे, और आगे तो शायद रास्ता नहीं है,
आगे रास्ता नहीं है, बट यहाँ पे कुछ सप्लाईज हैं, मैं सब कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने सब गन पाउडर था इसको कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर से ना एक गेट है, इससे मैं अंदर जाता हूँ। शायद से ना उस टावर के पास जाने का ना यही रास्ता है, और टावर आसपास ही होना चाहिए। ओके, टावर बगल में ही है, शायद इसी गेट से हम लोग टावर के पास जा सकते हैं। चलते हैं आगे। ओके, आगे तो गाइस बहुत ज़्यादा सुनसान है, अंधेरा भी है। फिलहाल यहाँ पे एक जॉम्बी दिखा है मुझे, इसको मारना पड़ेगा। भाई ये तेज़ चल रहा है क्या? तेज़ चल रहा है जैसे मुझे लगा। मर गया शायद से। ओके, मर गया। एक और है गाइस, वेट वेट, इनको मारना पड़ेगा। भाई साहब अचानक से आ रहे हैं यार ये लोग तो, एक एक करके। ओके, सबको मार देते हैं अपन लोग। फिलहाल क्लियर हो चुका है जगह जैसे मुझे लग रहा। और इस साइड में तो कोई नहीं है? नहीं, इस साइड भी कोई नहीं है। वेट वेट गाइस, यहाँ पे एक और जॉम्बी है, इसको मैं मार देता हूँ। ओ भाई, ये तो भाई बहुत ज़्यादा पास आ गया था। अच्छा, वो मर गया। और गाइस शायद से ना यहाँ पे कुछ लॉकर्स हैं, इसके अंदर सप्लाईज हो सकते हैं। मैं सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, लॉक पिक की ज़रूरत पड़ेगी। लॉक पिक से तोड़ लिया हूँ, बाकी सब सामान मैं कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से, एमओ वगैरह जो कुछ भी है। ऑल राइट गाइस, मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, अब चलते हैं आगे। यही वाले सीढ़ी जाना शायद से अपने को। ऑल राइट गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ और मुझे एक और गेट दिखा है जहाँ तक। और इधर आसपास कुछ सप्लाईज छूट तो नहीं गया, मैं सबको कलेक्ट करते चलता हूँ। ओके, एक गेट खुला है और शायद से हम ना कोई कंट्रोल रूम जैसा दिखने वाले जगह पे आ चुके हैं। और यहीं से शायद से ना अपने को कंट्रोल करना है इस टावर को। बट गाइज, यहाँ पर पावर सप्लाई टोटली डिसकनेक्टेड है, और कहीं पर तक जाके हमें पावर सप्लाई को ऑन करना है, जिससे ना यहाँ पे पूरा लाइट वगैरह आ सके। फिलहाल मुझे एक बैग मिला, जिससे मेरा स्पेस और ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं और भी ज़्यादा सामान कलेक्ट कर सकता हूँ अब। ओके, तो गाइज आसपास ना कहीं पे कोई गेट होना चाहिए, जिससे ना हम उस पावर सप्लाई तक पहुँच सकें और उसे ऑन कर सकें। बट मुझे यहाँ पर ना कोई भी गेट नज़र नहीं आ रहा। बट वेट, यहाँ पर ना एक कुर्सी गिरा पड़ा है और इसके बगल में ही गेट है। लेट्स गो गाइज, हमें ना मिल चुका है। बट गाइज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है हमारे करेक्टर को। पता नहीं, शायद से ना यहाँ पे जॉम्बीज लोग ने अपना घर वगैरह बना के रखा है, जिसके वजह से पावर कट हो चुकी है पूरी सिटी की, जिसके वजह से हम ट्रेन ऑन नहीं कर पा रहे थे। अब गाइज, यहाँ पास कहीं पास तो होना चाहिए पावर सर्किट, जिसे हमें ऑन करना है। फिलहाल यहाँ पास ना कुछ सप्लाईज हैं, जैसा कि अपना हेल्थ वाला बढ़ाने वाला सप्लाईज मिल चुका है मुझे। तो पक्का यहाँ पे ना कुछ गंदा फाइट होने वाला है हमारा किसी मॉन्स्टर से। तो आसपास देख लेते हैं, कोई मॉन्स्टर तो है नहीं। चलते हैं इसके अंदर। लेकिन गाइस, जाने के लिए रास्ता, ओके यहाँ से अपन लोग जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक डेड बॉडी है, मैं इसको मार के कंफर्म कर लेता हूँ क्या ये मरा हुआ है। ओके, ये तो मरा हुआ है। इसके पास एक सामान है, इसको उठा लेता हूँ, पता नहीं शायद से हमारा काम आ सकता है। ओके, मैंने ये सामान उठा लिया है। बट वेट गाइस, इसका तो पेट ही फट गया भाई। और ये सामान पता नहीं कोई केस है, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस, इसका पेट देख सकते हो कितना फट गया है भाई, कितना गंदा दिख रहा है यार। चलते हैं यहाँ से भाई अंदर। और इस साइड में भी कुछ सामान हो सकता है, अपन लोग उठा लेते हैं अगर कुछ सामान। ओके, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको तोड़ के साथ साथ में कुछ मिलेगा। ओके गाइस, हमें कुछ और एमो मिल चुकी है। अब चलते हैं अंदर, अंदर के साइड देखते हैं, शायद से वो पावर सर्किट यहीं आसपास होना चाहिए। इसको ऑन करेंगे फटाफट से। ओके गाइस, हमें ना इस गेट से अंदर जाने के लिए ना लॉक पिक से इसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट से इसको तोड़ लेते हैं गाइस। ओके, टूट गया है। चलते हैं अब गाइस अंदर की तरफ। बट वेट गाइस, कोई तो जानवर दिखा अपने को, बहुत खतरनाक कोई तो जानवर है गाइस यहाँ पे, जो कि ऊपर की तरफ दिखा मुझे। ओ भाई साहब, बहुत गंदा दिख रहा है यार। ओ शिट, इसने हमें पकड़ लिया गाइस। ओ भाई साहब, इसने हमारे मुँह पर कुछ घुसा दिया है भाई अपना। ओ शिट यार, शायद से हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं जैसा मुझे लग रहा, बट वो पता नहीं कहाँ चला गया गाइस। और हमारा करेक्टर भाई साहब लो हो चुका है पूरी तरह से। फिलहाल तो मैं अंदर चलता हूँ और शायद से ना अपना हील कर लेता हूँ। ओ भाई साहब, ओके शायद से ना जो कुछ भी उसने हमारे मुंह के अंदर डाला था उसको हमने निकाल दिया है। और गाइस, ये वाला जो जगह है इतना घटिया दिख रहा है भाई साहब, पूरी तरह से ना जॉम्बीज ने इसको अपना घर बना के रखा है। फिलहाल मुझे ना सारे सर्किट्स को ऑन करना है, चार सर्किट है यहाँ पे टोटल, और मुझे उन चारों को ऑन करना है। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी है जिसका अपने को सामना भी करना है। तो हाँ गाइस, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो यार भाई।
फिलहाल तो गाइस मुझे ना चारों सर्किट्स को ढूंढना है। ओ भाई साहब यही बचा वो बंदा। ओके मैंने मार दिया उसे, शायद वो दोबारा नहीं आने वाला मुझे जैसा लग रहा, लेकिन आ सकता है गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और पूरा यहाँ पे घर बना के रखे हैं इन लोगों ने, और शायद से ऐसे और भी हो सकते हैं गाइस, तो हमें अलर्ट रहना है, कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हमें ग्रीन हर्ब मिल चुका है जो कि हमारा हेल्थ बढ़ाने में मदद करेगा अपना, और मुझे तो अभी तक से कोई भी सॉकेट नज़र नहीं आया है जिसे हमें ऑन करना है। ओ भाई साहब इसने अटैक कर दिया भाई, मारना पड़ेगा यार। ओके मैं ज़्यादा घबरा गया था जिसकी वजह से एक ना एक गोली उसे पड़ गई। फिलहाल एक और है पीछे जैसा मुझे लग रहा, बट भाई यहाँ पर से शायद ना गेट है जिसे ना अपने को ओपन करके अंदर जाना है, और भाई शायद से ना और भी हैं जो हमारे पीछे हैं बट मुझे उसे देखना नहीं है, बहुत वियर्ड दिख रहा है भाई वो। और हमें ना फटाफट से एक सॉकेट ढूंढना। ओके एक और आया, इसको भी मैंने मार दिया है। अब हमें फटाफट से एक सॉकेट ढूंढना है और उसे ऑन करना है बस। एक नहीं गाइस शायद से चार सॉकेट है ऐसे जिन्हें हमें ऑन करना है। फिलहाल मैं इस जगह पर आया हूँ। ओके एक सॉकेट अपने को दिख चुका है, इसको हम लोग ऑन करना है बस। बस वो आए ना वापस से दोबारा, अपने को ये भी ख्याल रखना है। चलो इसको फटाफट से ऑन कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस मैंने एक को शायद से ना ऑन कर दिया है। ओके मैंने एक को ऑन कर दिया है, एक में सप्लाई आने लगी है, ऐसे तीन हमें और करना है। बट वेट एक और आया, इसको भी मैंने मार दिया है। ओके गाइस हमने अभी तक ना एक सप्लाई को ऑन कर दिया, अपने को तीन सप्लाई ऐसे और ऑन करना है जिससे ना पूरा टावर पर पावर सप्लाई जा सके। तो गाइस फटाफट से खोजते हैं उन तीनों को। और भाई यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है, और ये वाला रास्ता तो बंद है गाइस, शायद इसके पीछे एक है मैंने देखा जैसे मुझे लग रहा। चलते हैं आगे के साइड, शायद से एक और मिल चुका है अपने को। ओके लेट्स गो, हमने दूसरा भी ऑन कर दिया गाइस। ओके चलो अब तीसरे की बारी। बट ओ भाई साहब एक और आया, ओ भाई पड़ेगा नहीं उसको बुलेट, समझ नहीं आया बट शायद वो मर गया मुझे ऐसा लग रहा। चलते हैं आगे। और गाइस हमें ना दो और सॉकेट ऐसे ढूंढने हैं, बट वेट दो और आ गए हैं, इस पर दो आए हैं भाई, गैंग लेके आए हैं, शायद से तीन था एक ऊपर से जंप किया। तो हाँ गाइस यहाँ बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, हमको सबको मारने से पहले सारे सॉकेट को ऑन करना है ताकि ना हम ना मर सकें, सॉकेट सब ऑन हो जाए फटाफट से। ओके एक और है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा, बट वेट कहाँ है वो समझ नहीं आ रहा मुझे, सिट यार दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल तो। ओके एक दिखा मुझे और शायद से ना इसका परछाई है ये, यहाँ पे बगल में होना चाहिए वो। ओके यहाँ पे खड़ा है, इसको भी मैंने मार दिया है। लेट्स गो गाइस, शायद से ये वाले रास्ते पे और भी है ऐसे सॉकेट हो सकते हैं। ओके एक और मिल चुका है अपने को, टोटल अपन लोगों ने तीन ऐसे सॉकेट ऑन कर दिए हैं, एक बस बचेगा, इसको फटाफट से मैं ऑन कर देता हूँ बस। गाइस वो आए ना मेरे पीछे, इसका भी ख्याल रखना। ओके मैंने तीसरा भी ऑन कर दिया, अपने को लास्ट अपने को खोजना है वो सिट यार, यहाँ पे वॉल पे चढ़ा हुआ था वो, मैंने उसे देखा भाई, ये रहा, इसको मारना पड़ेगा। ओके मैंने इसे मार दिया है, चलते हैं आगे एक साइड। अब भाई चौथा सॉकेट कहाँ पे है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो एट आइज यहाँ पे दो दो तीन तीन खड़े हुए हैं, मतलब इसी रास्ते जाना है अपने को, पहले तो इसको मैं मार देता हूँ। और पीछे भी एक है, पीछे वाला पता नहीं कहाँ है भाई, मरा कि नहीं पता नहीं क्या हुआ। चलते हैं आगे, शायद से इधर आसपास कोई रास्ता होना चाहिए। ओह वेट यार ये तो मरा ही नहीं था, पीछे पीछे घूम रहा कब से, आसपास कोई रास्ता तो होना चाहिए गाइस, जहाँ पर ना सॉकेट के पास जाने तक का रास्ता होगा वो। बट गाइस आसपास ना मुझे कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा जहाँ तक हम वहाँ तक पहुँच सके। वेट यहाँ वाला गेट खुल चुका है जहाँ तक, और यहाँ पास एक सीढ़ी है, चलते हैं ऊपर के साइड। ओके शायद ऊपर होगा वो वाला सॉकेट, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, आसपास देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे कुछ एमो मिल गया मुझे। और आगे के साइड से एक रास्ता गया हुआ है जो कि हमें नीचे लेके जाएगा, और शायद से हम इस साइड में आ गए हैं जिस साइड में लास्ट वाला सॉकेट है, और वो वाला रास्ता जाम था इसलिए हमको अंदर से आना पड़ा है। ओके भाई एक और है जो ऊपर चढ़ा है भाई कब से, इसको भी मारते हैं। ओके कोई नहीं, हमने इसको मार दिया है। और फिलहाल तो गाइस यहाँ पर ओके लेट्स गो, अपने को चौथा सॉकेट भी मिल चुका है, इसको फटाफट से ऑन करते हैं और चलते हैं बाहर।
टावर को एक्टिव करते हैं भाई, सबके साइड लाइट आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाला रास्ता तो भाई पूरा बंद है, अब अपन लोग को फिर से ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा जैसे मुझे लग रहा। वेट, ये वाला रास्ता तो खुल चुका है। और भाई दो बंदे निकले यार उसके अंदर से, पूरा घर बना के रखा इस एरिया को जॉन। फिलहाल चलते हैं बाहर के साइड गाइस, हमने चारों सॉकेट ऑन कर दिए हैं, अब हमें फटाफट से बस रास्ता ढूंढना है, बाहर की तरफ चलना है और गाइस अपने को टावर को एक्टिव करना है। फिलहाल मैं इस सीढ़ी का उपयोग कर रहा हूँ जिससे मैं शायद से आया हूँ, अब अपने को चलना है बाहर। तो इसी रास्ते से अपन लोग शायद से बाहर भी जा सकते हैं जैसे अपन लोग अंदर आए थे। फिलहाल यहाँ पे ना कुछ बुक वगैरह, बुक पढ़ने का टाइम नहीं है गाइस, फटाफट से नीचे चलते हैं, गेट खोलते हैं और निकलते हैं बाहर। ओके गाइस, साथ से ना एक मॉन्स्टर बचा हुआ है, वो भाई साहब तो ऊपर ही है। कब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है भाई, मैंने इसको मार दिया। अब निकलते हैं गाइस बाहर। और ये रास्ता भाई एक और है भाई, कितने सारे यहाँ पे जॉम्बीज वाले मॉन्स्टर हैं, सबको मारे तो हैं अपन लोग, बट बाहर जाने का रास्ता मैं भूल जाऊँ जैसे मुझे क्यों लग रहा। ओके गाइस, साथ से ना अपन लोग इसी रास्ते से अंदर आए थे, चलते हैं गाइस बाहर। अपन लोग सेफ है जैसे मुझे लग रहा, मॉन्स्टर बाहर आके तो आपसे फाइट नहीं करने वाले। चलते हैं फटाफट से ना कंट्रोल रूम में और इस टावर को एक्टिव करते हैं गाइस। ओके, ऑल दैट लीव्स इज द मेन पावर स्विच। ऑलराइट गाइस, हमने टावर स्विच को जहां तक ऑन कर दिया है। और भाई साहब सारे ज़ॉम्बीज ने जो घर बना के रखा था सब टूट चुका है। ओके गाइस, साथ से ना अभी अपने को सब स्टेशन जाके रेलवे ट्रैक को सही करना है। और फिलहाल गाइस मैं इस गेम को सेव कर लेता हूँ, अब चलते हैं बाहर के साइड और खोजते हैं कहाँ पर रेलवे कंट्रोल रूम है, खोजते हैं उसको फटाफट से बाहर की तरफ निकल के। और गाइस आसपास मुझे खतरे मिल सकते हैं, इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो रॉकेट लॉन्चर है उसको यूज करते हैं आप, क्योंकि आपको अपन लोगों ने ये वाला मिशन कम्प्लीट कर दिया है तो आगे ना अपनी फाइट गंदी वाली होने वाली है, इसलिए ना रॉकेट लॉन्चर मैं यूज कर लेता हूँ सोच रहा हूँ। ओके, जैसा कि कार्लो ने फिर से कॉल किया है और बोल रहा है कि रेलवे कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के पास जाओ और उसे सही करो, तो गाइस हाँ हम ही इसके नौकर हैं और हम ही जाके सब कुछ करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, अभी ना मैं अपना रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया हूँ, अभी जो भी ज़ॉम्बी मुझे दिखेगा ना मैं इसी से मारने वाला हूँ, उसे बहुत गंदा मारने वाला हूँ गाइस, देखते जाओ। अभी फिलहाल मैं बाहर की तरफ निकल गया हूँ और बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होंगे मुझे पता है अच्छे से, तो हाँ उनका वेट करते हैं और जैसे दिखेंगे उनको धो डालेंगे। अभी देखते जाओ गाइस, इस बार ना मैं मार नहीं खाने वाला, मारने वाला हूँ। तो गाइस हमें ना आगे की तरफ जाना है, कंट्रोल रूम, रेलवे कंट्रोल रूम के पास जाना है। बट वेट भाई, ये वापस से आ गया भाई और एक गंदा मारने वाला है। ओके, अपने एक रॉकेट लॉन्चर दिए हैं इसके मुँह पर, एक और मारता हूँ। वो भाई साहब इसके ऊपर से चला गया, एक और दे देता हूँ इसको। ले बेटा कैसा लगा, अपने पास रॉकेट लॉन्चर गाइस, टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। एक और ले बेटा कैसा लगा भाई, इसको गंदा मारने वाले हैं अभी। अभी तो ये मर नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। साथ से एक और ले। ओके, डैमेज नहीं हो रहा गाइस इसको, पता नहीं क्या हुआ है। तो फिलहाल मुझे कुछ बॉक्स मिला है इसको मारने से, और साथ से ना ये अभी ना शांत हो चुका है, तो अपन लोग चुपचाप से निकल लेते हैं। इसको अपन लोग अभी नहीं मार सकते जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, इसको मारने के लिए कोई पावरफुल वेपन चाहिए जिससे ये मर पाएगा। तो हाँ अपन लोग को अभी ना फाइट नहीं करना है, भागना है फटाफट से रेलवे कंट्रोल रूम के साइड। और यहाँ आसपास कोई ज़ॉम्बी भाई, बहुत सारे ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं लेकिन मैं इन सबको इग्नोर कर रहा हूँ, जो भी उठेगा उसको रॉकेट लॉन्चर से धो दूंगा ऐसे ही। और यहाँ पास एक सीढ़ी है, शायद से सीढ़ी से हम लोग शॉर्टकट तरीके से पहुँच सकते हैं। ओके, ये वाला रास्ता निकला है और ये गेट से शायद हम बाहर जाएंगे तो अपने को मिलेगा एक नया रास्ता। फिलहाल तो हम किसी रूम पर आ चुके हैं। ओके, बाहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओह भाई साहब, अपन लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं। ओके, और शायद से ये मैं गलत रास्ता यूज कर रहा हूँ या फिर सही रास्ता, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं चले पड़ा हूँ। ओ भाई साहब, फिर से वापस आ चुका है भाई, फिर से ले बेटा। ओ भाई साहब, मेरा अटैक ब्लॉक कर रहा। लो भाई पड़ा दूसरा वाला, एक और ले। ओके, दो बार मैंने मार दिया है, शायद से फिर से वापस से बैठ जाएगा, तीसरा भी मैंने मार दिया है, अब तो बैठ ही जाएगा। फटाफट से मैं भागता हूँ यहाँ से,
भाई ये तो मेरे पीछे पड़ गया भाई, कब से थानोस। ऑल राइट गाइस, हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ रेलवे कंट्रोल रूम तक ही है। रेलवे कंट्रोल रूम फटाफट से पहुंचना है अपने को। तो गाइस हाँ, ये वाला रास्ता सहज से ना अपने को उस जगह तक ले जा सकता है। यहाँ से मैं अंदर आया था एक बार और यहाँ से बाहर। ओके लेट्स गो। सहज से ना हम वापस से अपने ट्रैक पर आ चुके हैं, सही वाले रास्ते पर। और यहाँ पर गाइस कुछ जॉम्बी तो आ रहे हैं। फिलहाल ना मैं अपना हेल्थ भर लेता हूँ और गाइस रॉकेट लॉन्चर से इसको धोना चालू कर देता हूँ। एक बार में सहज से मर गए ये लोग। और ये वाला रास्ता लेके जाएगा अपने को रेलवे कंट्रोल रूम तक। और वहाँ पास अपने को ना बस जाके ना रेलवे ट्रैक को सही करना है। ओके यहाँ पास आसपास के सारे जॉम्बीज को मैं पहले ही मार चुका हूँ और ये वाला गेट भी मैं खोल चुका हूँ। और इस गेट के अंदर ही है रेलवे कंट्रोल रूम, और शायद से ये वाला गेट होना चाहिए। नहीं यार, शायद से ना मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ। पता नहीं वाला कंट्रोल रूम मैं यहीं पास आसपास तो देखा था। फिलहाल यहाँ पर एक शॉटगन पड़ा है और हमें शॉटगन यहाँ पर मिलना था। हम इसको पहले इग्नोर कर चुके थे इसलिए अपने को एमो बस मिल रहा था। शॉटगन यहाँ पे मिल चुका है, तो हाँ अपने पास एक और गन हो चुका है पावरफुल। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। फिलहाल अभी मैं रॉकेट लॉन्चर यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पीछे वो थानोस कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है पीछे। और गाइस यहीं आसपास कहीं पर तो होना चाहिए कंट्रोल रूम, खोजते हैं चलो। इस रूम में तो गाइस कहीं पर मुझे कोई गेट नज़र नहीं आ रहा, तो हाँ अपने को बाहर ही मिलने वाला है कंट्रोल रूम। और यहाँ पर भी एक गेट था गाइस, कहीं पर तो मैं गेट देखा था। शायद से अपने पीछे गेट है या बाहर की तरफ गेट था, कहीं पर तो मैंने एक गेट देखा था। तो हाँ वहीं पर है वो कंट्रोल रूम। ये कंट्रोल रूम तो नहीं है फिलहाल, आसपास यहाँ पास कहीं पे गेट होना चाहिए एक। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना एक गेट मिला है अपने को, लेट्स गो। अपन लोग गाइस आ चुके हैं कंट्रोल रूम के अंदर। अब गाइस यहाँ पर से अपने को बस रेलवे ट्रैक को सही करना है, बाकी अपना ये मिशन इजीली कंप्लीट होने वाला है। तो हाँ गाइस, अपने को ये पजल जैसा दिखने वाला मशीन को ऑपरेट करना है, सिस्टम को सेट करना है और रेलवे ट्रैक को सही करना है। फिलहाल गाइस मैंने सही कर दिया है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ओके लेट्स गो गाइस, अपन लोग रेलवे कंट्रोल को बिल्कुल सही कर दिया है। फिलहाल अपने को जाना है बस रेलवे स्टेशन के पास, अब अपने दोस्तों कार्लो और उनके टीम से मिलना है बस। तो चलते हैं फटाफट से रेलवे स्टेशन के साइड गाइस। बाकी ना अपने पीछे वो थानोस हाथ धो के लगा ही हुआ है, तो उससे भी बचना है अपने को। फिलहाल चलते हैं बाहर के साइड। अपने पास शॉटगन है लेकिन शॉटगन की एमो बहुत कम है, साथ से मैंने शॉटगन की एमो कहीं पर ड्रॉप कर दी। ओ भाई साहब, यहाँ पास एक खतरनाक जॉम्बी है, मैं इसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ाता हूँ, देखते हैं एक बार में मरता है कि नहीं। ओके गाइज, अपना रॉकेट लॉन्चर जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से एक बार में मर गया ये। फिलहाल बाहर एक और जॉम्बी है जो कि सेम वैसे दिख रहा, इसको भी मारते हैं अपन लोग रॉकेट लॉन्चर से। ओके एक और जॉम्बी है यहाँ पे, इसको भी मार देते हैं। फिलहाल जितने भी जॉम्बी अपने को दिख रहे हैं ना गाइस, सबको मारना है क्योंकि अपन लोग आ चुके हैं बाहर और बाहर थानोस अपने पीछे हाथ धो के लगा है। तो हाँ थानोस से भी बचना है और एकदम सेफली अपने को रेलवे स्टेशन के पास पहुँचना है, कार्लो से मिलना है और सारे साथियों को ना ट्रेन से बाहर भेजना है। तो चलते हैं गाइस फटाफट से, और शायद से ना यही रास्ते से अपन लोग जा सकते हैं पास से इजीली तरीके से। हाँ तो गाइस चलते हैं फटाफट से आगे के साइड। ऑल राइट गाइस, यहाँ आसपास ना कोई गेट होना चाहिए। हमने यहाँ के सारे जॉम्बीज को मार दिया ऑलरेडी। ओ नहीं गाइस, शिट यार, एक जॉम्बी और आया अपने पास। भाई इसको गंदा मारने वाला, रॉकेट लॉन्चर से मारूंगा। ले बेटे कैसा लगा गाइस, अपने को यहाँ पास एक गेट होता था। ओके गेट मिल चुका है, यहाँ से भागना फटाफट से। पता नहीं कितने जॉम्बीज आ चुके हैं। अपन लोगों ने ये एरिया क्लियर कर दिया था, फिर भी यहाँ पे एक जॉम्बी आ गया था। भाई इसने मेरा हेल्थ भी खा दिया, फटाफट से हेल्थ भर लिया मैं। अब चलते हैं गाइस जल्दी से, थानोस के आने से पहले अपने को पहुंचना है रेलवे स्टेशन के पास। चलते हैं गाइस फटाफट से। ऑल राइट गाइस, इस सीढ़ी से उतरने के बाद अपन लोग मेन रोड पे आ जाएंगे, जहाँ पास से अपन लोग को रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता इजीली पता चल जाएगा। फिलहाल मैं इस जगह पे आ गया हूँ और आसपास कोई भी जॉम्बी नहीं है, और इसी रास्ते से अपने को जाना है जहाँ तक। ओके देखते हैं, शायद से मैं गलत रास्ता पकड़ लूँ, जैसे मुझे लग रहा है मैप खोल के देखना चाहिए। ओके हाँ, अपन लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है, अपन लोग को वापस से इस मेन रोड से ही जाना था, मैंने इस जगह पर आके गलती किया। चलते हैं इस रोड से जाना है अपने को। बाकी गाइस अब फिर से मैं खुले जगह पे आ चुका हूँ, तो फिर से वो थानोस आएगा भाई, फिर से मारपीट होगा हम दोनों के बीच। मुझे अच्छे से पता है, जब भी मैं ओपन वाले एरिया पे आता हूँ तब तब वो थानोस आ जाता है बार बार।
वहाँ गए उससे बचते हुए चलना है अपने को। और इस साइड में तो कोई भी रास्ता नहीं, ओके इस रास्ते से जाना अपने को। बट वेट, ये आ चुका गाइस वापस से, भाई पीटना चालू कर दिया मुझे। ले बेटे, कैसा लगा? रॉकेट लॉन्चर भाई अपने पास, ये ले बेटे। और अब बैठ जा चुपचाप, चुपचाप से बैठ जा। अब मुझे भागना है गाइस आगे की साइड। ये बैठ जाता है थोड़ा सा इसको दो बार डैमेज देने के बाद, क्योंकि अभी साथ से ना लो स्टेज पे, आगे चल के ना बहुत ज़्यादा हैवी बनने वाला है वाला अटैक। एक और ज़ॉम्बी था भाई, इसको मैंने मार दिया। चलते हैं अब साथ से। अपन लोग ना रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और यहीं आसपास होना चाहिए। बट वेट, यहाँ पास ना कुछ जॉम्बीज हैं जो कि ओके मैंने सबको मार दिया है। फिलहाल यहीं पास से कोई रास्ता था जहाँ पास से ना आप लोग जा सकते थे रेलवे स्टेशन के पास, और इस ये रास्ता आसपास ही है। ओके लेट्स गो, यहाँ से जाना है, हियर लिखा है यहाँ पे। चलते हैं इसके अंदर। और भाई साहब थानोस से क्या ही बचे भाई, थानोस ने भाई गंदा डैमेज दिया यार अपने को। ऑल राइट गाइस, शायद से ना आप लोग अभी सेफ जगह पे आ चुके हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे थानोस नहीं आने वाला जैसे मुझे लग रहा। अब चलते हैं फटाफट से ना आप लोग मिलते हैं कार्लो से, और शायद से आगे ही अपने को कार्लो मिलने वाला है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा। हाँ तो गाइस चलते हैं फटाफट से टीम के पास। वो अपना टीम नहीं है जहाँ तक, अपना टीम मेंबर ब्रैड था जो कि मर गया है। ओके आप लोग कार्लो से मिल गए हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे काम से। और 30-40 मिनट लगेगा ट्रेन को स्टार्ट होने में। बट वेट, यहाँ पे ना वो बंदा आ चुका है जो कि अपने ही टीममेट को मार दिया था। और गाइस इन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही है। Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. और गाइस शायद से ना वो बंदा हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। Everyone's a little worked up. But wait, guys, शायद से ना वो थानोस वापस से आ चुका है। और भाई साहब अपने को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। Okay. ओ नहीं गाइस, अपनी जो जील है हीरो बनने की बहुत ज़्यादा इसको ना तलब है। फटाफट से बाहर भी निकल के इसको उलझाने के लिए, क्योंकि 30-40 मिनट लगने वाला ट्रेन को स्टार्ट होने के लिए। और ये थानोस अगर इनके पीछे गया, ओ भाई साहब तो मेरे पीछे आ गया। ओ नहीं यार, इसको मारना पड़ेगा गाइस। ये ले बेटे, अपने पास रॉकेट लॉन्चर है गाइस, टेंशन वाली बात ही नहीं है। दो बार में इसको ना शांत हो जाता है ये। और मैं ये बोल रहा था कि 30-40 मिनट लगने वाला है ट्रेन को स्टार्ट होने में। तो गाइस हाँ, अगर ये थानोस उनके पीछे गया तो शायद से ना वो ट्रेन को भी चालू होने से रोक दे। तो हमको इनको उलझा के रखना है। फटाफट से मैं इस जगह पे तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पर से रास्ता नहीं दिख रहा मुझे कहीं जाने के लिए। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जिससे ना हम बच सकें, और यहाँ पर कुछ सामान भी नहीं है जिससे ना हम उसको रोक सकें। फिलहाल अभी वो शांत है, उसको मैंने दो रॉकेट लॉन्चर के हेडशॉट दिए हैं। और यहाँ पर कुछ सामान है, ओके एमो मिली मुझे। बट यहाँ पास से कोई तो रास्ता होना चाहिए गाइस जिससे ना अपन लोग बाहर जा सकें। फिलहाल तो ये जगह मिला है, ओके यहाँ से अपन लोग बाहर जाने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, इसको अपन लोगों ने शायद से तोड़ लिया है और इसी से अपन लोग ना बाहर जाने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, अब थानोस ना हमारे पीछे रहेगा और वो ट्रेन को ईजिली स्टार्ट कर पाएंगे वो लोग। ओके फिलहाल मुझे ना फटाफट से कोई सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा जिससे ना थानोस हमारे पीछे ना आ पाए। ओके यहाँ पर से एक रास्ता है, इसको बंद कर रही है जिल अपनी। शायद से ना गाइस ये वाला रास्ता बंद करने के बाद थानोस हमारे पीछे नहीं आने वाला, शायद इसीलिए जिल ये वाला रास्ता बंद कर रही है। और गाइस यहाँ पर ना एक गेट दिखा है अपने को जिसके अंदर शायद अपन लोग जा सकते हैं। कार्लो से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है जिल, जो कि शायद से नहीं हो पाया। और चलते हैं गाइस इसके अंदर। फिलहाल यहाँ पास तो सेफ मिल चुका है। ओके लेट्स गो, सेव करते हैं गाइस। ओके तो गाइस हमारा पार्ट वन यहीं तक था। अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में पार्ट टू लिखना ना भूलना। फिलहाल गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी वीडियो देखनी पसंद है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।